उसमें हमारा जो गोल होता है जो मकसद होता है वो एक तो डिग्री लेना होता है और दूसरा उस डिग्री के हवाले से हम हमारी ये कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर मार्क्स या ग्रेड्स अचीव कर सकें क्योंकि हमारी कैपेबिलिटीज और क्वालिटीज़ की ये एक इम्पॉर्टेंट रिफ्लेक्शन कंसीडर होती है पर्सपेक्टिव इसको क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है और कहता है कि हमने इसके ऊपर ओवर एम्फसाइज़ करके पूरे माशरे को जो है एक क्रिडेंशलाइज माशरे में कन्वर्ट कर दिया है आज हम किसी भी इंसान को बहसीत इंसान नहीं देखते बल्कि उसको उसकी क्वालिफिकेशन के थ्रू प्रोसेस किया जाता है हम किसी को जॉब देने के लिए उससे मिलने से पहले भी जो है वो उसका सीवी देखते हैं उसके क्रीडेंशल्स देखते हैं कि इस शख्स की अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या क्या अचीवमेंट्स हैं और इसने किन किन प्रोसेस से गुजर के क्या क्या स्किल्स एक्वायर किए हैं तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव जो है वो इसको एक क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए ये रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे आज का माशरा जो है वो एक कोडेंशलाइज सोसाइटी के अंदर कन्वर्ट हो चुका है सो इन द कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्टस्पेक्टिव आडेंशलाइज सोसाइटी इज सीन एज अ मीन्स ऑफ रिप्रोड्यूसिंग एंड री इन्फोर्सिंग द एग्जिटिंग सोशल इनक्वालिटीज़ एज़ दो विद ग्रेटर एक्सेस टू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आर मोर लाइकली टू सक्सीड इन द लेबर मार्केट तो जॉब मार्केट के अंदर भी उन्हीं लोगों के लिए पोटेंशली ज़्यादा पॉसिबिलिटीज और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिनके पास ज़्यादा सर्टिफिकेट्स होते हैं ज़्यादा डिग्रियाँ होती हैं और ज़्यादा ग्रेड्स होते हैं तो मॉडर्न सोसाइटी के इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर मोर इम्पॉर्टेंट है कि आपके ग्रेड्स क्या होते हैं एज़ कम्पेयर टू How trained or how well trained you actually are. So, in Pakistan, for example, the importance of formal qualifications and credentials has increased in the recent years, particularly in the sectors such as technology, finance, and medicine. The conflict perspective suggests that the credentialized society is biased towards those with greater resources and opportunities. and इट reinforces the द patterns of ऑफ सोशल इनक्वाली तो एक तरफ तो हम देखते हैं कि पहले ही माशरे के अंदर सोशल इन इनक्वालिटीज़ की बहतात होती है लोग जो हैं वो जगह जगह पर दर्जाबंदी के अंदर तकसीम हुए होते हैं ऊपर से अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम भी उसी इनवालिटी को री इन्फोर्स कर रहा हो तो हमारे माशरे के अंदर फिर लोगों के लिए ख़ास पर उन इंडिविजुअल्स के लिए जो कि रेलिटिवली डिसवानटेज़स पोजिशन के ऊपर होते हैं उनके लिए फिर सर्वाइवल की क्या पॉसिबिलिटीज रह जाती हैं अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ अ अकोडेंशलाइज सोसाइटी इज असेंशियल फॉर एनालाइजिंग द वेज इन विच द सोशल इनइॉलिटी इज रीप्रोड्यूस्ड एंड री इन्फोर्सड इन द कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज एंड द स्टडी ऑफ अकोडेंशलाइज सोसाइटी रिक्वायर्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हम इसको सोशोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं कि कैसे एकुडेंशलाइज सोसाइटी जो है वो अन अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करती है अपने मुख्त तबक के अंदर रहने वाले लोगों के लिए मिसाल के तौर पर अगर हम एजुकेशन सिस्टम को ही लें तो एक रूरल अरबन के रूरल और अर्बन डिफरेंसेज जो हैं वो हमें बड़े वाजे नज़र आते हैं इसके साथ साथ जो है हमें एलिड स्कूल सिस्टम नज़र आता है पब्लिक स्कूल सिस्टम नज़र आता है ये भी एक बड़ी वाज खज पैदा करता है सिस्टम के अंदर मौजूद रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से और पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं दोनों जेंडर की तो मेल और फीमेल के हवाले से भी ये डिफरेंसेस जो हैं बड़े वाजे तौर पे नज़र आते हैं सो इन अ नटल बाय एनालाइजिंग द कम्पलेक्सिटीज ऑफ अ केडेंशलाइज सोसाइटी वी कैन गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेज इन विच सोशल इनकोलिटी इज परपैट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल एंड सोसाइटीज स्कॉलर्स इन द कॉन्फ्लिक्ट एडवोकेट फॉर पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन एम्ड एट रिड्यूसिंग द इम्पॉर्टेंस प्लेसड ऑन द फॉर्मलशियल एंड प्रमोटिंग द आल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ स्किल लर्निंग एंड नॉलेज एक जितने भी आल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं जो हमारे फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के अलावा हैं जैसे कि हम कहते हैं कि अप्रेंटिसश भी एक मैथड होता है जिसके ज़रिए लोग जो हैं वो मुख्तु शोबों के अंदर ट्रेनिंग हासिल कर सकते होते हैं तो अनफॉर्चुनेटली उनको कोई ख़ास अहमियत आज के मॉडर्न सोसाइटी के अंदर नहीं दी जाती है बल्कि ये देखा जाता है कि किसी की फॉर्मल क्वालिफिकेशन क्या है और ख़ास तौर पे यह देखा जाता है कि उसमें उसने कितना एक्सेल किया है और इसकी रिफ्लेक्शन जो है वो उसके मार्क्स या ग्रेड्स के ज़रिए होती है सो एग्ज़ाम्पल्स ऑफ पॉलिसी एंड इंटरवेंशन एम्ड एट रिड्यूसिंग द इम्पॉटेंस ऑफ फॉर्मल इन पाकिस्तान इंक्लूड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड अप्रेंटिसशिप द कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्टस्पेक्टिव ऑफर्स आर क्रिटिकल लेंस थ्रू विच to analyze the mechanisms of a credentialized society and their impact on individuals and societies. आपके लिए food for thought ये है कि आप पाकिस्तानी education system के अंदर देखें कि कैसे grade inflation की वजह से हमारी education system की quality suffer हुई है For example, आप past टेन years के matriculation exams के results उठा के देख लें तो आपको लगेगा कि दर्जा बदर्जा हर साल जो ग्रेड्स हैं उनके अंदर जो है वो इजाफा ही हुआ है और बच्चों की कोशिश ये है कि ग्रेड इन्फ्लेशन के लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रोट मेमोराइजेशन के ऊपर करें ताकि उनके रिजल्ट्स जो हैं वो हंड्रेड परसेंट इंश्योर्ड हों और इसी वजह से अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो लॉजिकल रीजनिंग है और जो क्रिएटिविटी है उसके ऊपर बच्चों के बच्चों की प्रिपरेशन और बच्चों की सोशलाइजेशन के हवाले से उसके ऊपर फोकस बहुत कम होता है लेटर ऑन जो ये प्रॉब्लम्स हैं ये उनकी लेटर एजुकेशन सिस्टम के अंदर आके बड़े वाजे हो जाते हैं जहाँ पे एडिकेट रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग की ज़रूरत पड़ती है जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो मुख्तफ़ चीज़ों के हवाले से इंफ्रेंसिस ड्रा कर सकें तो फूड फॉर थाट ये है कि आप देखें कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर किस तरह से ग्रेड इन्फ्लेशन हुई है और लॉजिकल रीजनिंग और क्रिएटिविटी जो है उसको स्नप किया गया है